और लोकनाथ मिलन संघ की ओर से पिछले 30 सालों से शिव बारात निकाले जाने की परंपरा है, जो कि शहर के प्रमुख इलाकों से होकर निकलती है। लोकनाथ मिलन संघ की ओर से बैंड बाजे के साथ शिव यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में शिव बाराती जमकर झूमे और शिव बारात में भगवान शिव के गणों के मनमोहक और आकर्षक झांकियां भी निकली। वहीं शिव बारात का लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शिव बारात में बाहर से आए कलाकारों ने स्वांग भी रचाया। जैसे कि सभी को ज्ञात है कि बाबा भोलेनाथ सृष्टि के रचयिता हैं, और आज लोकनाथ मिलन संघ विगत 30 वर्षों से इस बारात को निकालता चला आ रहा है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पूर्वजों ने इस बारात को शुरू किया और आज हमारी युवा पीढ़ी, हम और हमारे साथी मिलके इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप जैसे जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने उन सभी चीज़ों को ग्रहण किया जो सृष्टि के लिए नहीं थी, तो उनके बाराती भी उसी प्रकार के हैं। भूत पिशाच, चुड़ैल, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, जिनको बाकियों ने छोड़ा लेकिन भोलेनाथ ने पकड़ लिया, और जब भोलेनाथ ने जिसका ऊपर हाथ रख दिया तो वो सब उनके साथी हो गए, और जब वो उनके साथी हो गए तो हम तो उनके साथ ही हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना है, और हम 30 वर्षों से इस बारात को निरंतर निकालते चले आ रहे हैं, और आगे भी भगवान भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो ऐसे ही बारात हमारी निकलती रहेगी। अभी कोविड काल में 2 साल से तो बंद थी, अब भीड़ ज़्यादा रहेगी यहाँ? जी, लगातार ये बारात में भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। हम केवल प्रयागराज ही नहीं, आसपास के जिलों से भी लोग भगवान भोलेनाथ की, लोकनाथ मिलन संघ की विशेष बारात को देखने आते हैं, और भगवान का जो हम यहाँ पे कार्यक्रम कराते हैं, विभिन्न मार्गों, विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को बुलाते हैं, और जो स्वांग होता है, जो हमारे कमेटी ने जो है इस बार मुरादाबाद से टीम को बुलाया है, वो कुछ ना कुछ नया भोलेनाथ के ऊपर प्रसंग दिखाती है, जिसको दूर दूर से लोग देखने आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।